OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बीते महीने सितंबर में आपने कई धमाकेदार शोज के लुफ्त उठाए हैं। बीते महीने थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा दिल्ली क्राइम से लेकर फैमिली रोमांस ड्रामा फिल्म निकम्मा तक का आनंद आपने उठाया। अब एक बार फिर अक्टूबर महीने में आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं कुछ जबरदस्त शोज और मूवीज। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं पल्लवी। हम पहले नंबर पर आती है 20th सेंचुरी गर्ल। ये वेब सीरीज भी कोरियन ड्रामा से भरपूर होने वाली है, जिसमें किम यू जंग, ब्योन व्यू सोक और रू योन सियो को लीड रोल में देखा जाएगा। कहानी साल 1999 को देखकर बनाई गई है। नंबर दो पर आता है दोबारा। तापसी पन्नू स्टार फिल्म दोबारा 15 अक्टूबर को OTT पर रिलीज की जाएगी। फिल्म में 26 साल पहले के रहस्य को दिखाया जाएगा। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। नंबर तीन पर आता है टेक वन। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। फाइनली 14 अक्टूबर को फैंस का इंतजार खत्म हो जाएगा। नंबर चार पर आती है मुंबई माफिया। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में ही रिलीज की जाएगी, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। फिल्म मुंबई पुलिस और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बीच की कहानी को और जद्दोजहद को दिखाती है। फिल्म में क्राइम और सस्पेंस दोनों देखने को मिलेगा। नंबर पांच पर आता है ईशो। ये वेब सीरीज क्राइम और थ्रिलर से भरपूर है। सीरीज असल जिंदगी की मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। इस फिल्म को देखने से पहले अपना कलेजा मजबूत कर लें। नंबर छह पर आती है लास्ट सीन अलाइव। ये एक थ्रिलर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में जेमी अलेक्जेंडर और जेराल्ड बटलर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी में एक शख्स रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है और पूरी फिल्म में उसी शख्स को ढूंढा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।